तो हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अपने पास जो है ये पल्सर गाड़ी का जो मैंने दिखाया था आपको कि पूरा जो प्रॉब्लम है इसमें फुल इंजन का जो है अपन फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फुल इंजन का भी जो है मैं फिटिंग करने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका गियर बॉक्स में थोड़ा बता देता हूँ। वैसे तो इसका गियर बॉक्स जो है सेम टू सेम डिस्कवर, जो मैंने अपना चैनल में वीडियो डाल रखा है, डिस्कवर 100 CC 125 CC वाला जो है इंजन है, सेम टू सेम वही गियर बॉक्स है, कोई डिफरेंट नहीं है। फिर भी जो है मैं आपको इसमें बता देता हूँ, और गियर बॉक्स के बारे में ज़्यादा इसीलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि वो सेम गियर बॉक्स है, वही गियर बॉक्स है। बस आपको क्या है, सारे टीथ वगैरह जो है चेक कर लेने हैं अच्छे से। तो इनको अच्छे से चेक करने के बाद जो है आप इनको असेंबल कर देंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें से जो है वॉशर कहाँ पर लगेंगे इसमें, इस शाफ्ट में। तो देखिए, जहाँ पर ये इस टाइप का जो बुश लगता है इस शाफ्ट पे जो है, एक ही इस तरह का एक जो है वॉशर लगेगा, अपनी जो चेन सेट वाली जो है मेन शाफ्ट है उस पर एक वॉशर लगेगा, और दूसरी जो है अपनी क्लच असेंबली वाली जो शाफ्ट है, ये वाली दोनों शाफ्ट, और इस पे जो कि नीचे वाले बुश पे है यहाँ पर एक वॉशर लगेगा। तो दोनों में एक एक वॉशर लगता है। तो इस तरीके से जो है दोनों पे एक ऊपर की वॉशर है, एक नीचे की तरफ वॉशर है। तो ये दोनों वॉशर जो है आपको लगा के और इस तरीके से जो है आपको असेंबल कर देना है इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों जो है प्रॉपरली जो है असेंबल हो गए हैं अपने। तो फ्रेंड्स देखिए, अपना गियर बॉक्स जो है यहाँ तक जो है फिटिंग होने के बाद जो है आपको, देखो मैं ये सिलेक्टर जो है ये दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, आप इन सभी सिलेक्टर को निकाल लीजिए एक बार। तो देखिए, मैंने सब निकाल के सब अच्छे से वॉश करके, देखिए आपको इसमें से कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये दोनों जो पिन है, इन पिन में से जो आप है कोई भी लगा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम होती हैं दोनों। बट ये सिलेक्टर जो है, ये चेंजेस हैं सिलेक्टर में जो है, चेंज है। देखिए, एक सिलेक्टर जो है छोटा और दो जो है एक साइज़ के हैं। तो देखिए, इनमें दोनों साइड पिन हैं, तो आप इनको किस तरीके से लगा सकते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए, इसमें देखिए यहाँ से जो इसका गैप है, ये वाला गैप जो है ये ज़्यादा है और ये कम है। तो जो गैप जिधर की साइड में जो गैप है वो कम है, वो नीचे की साइड में इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से सीधा लगेगा। तो देखिए, एक ऐसे लगेगा, फिर जो अपना दूसरा है बड़ा वाला, इसमें जो गैप है, बड़ा वाला जो गैप है वो नीचे की साइड में रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से लगेंगे और ये ऊपर की साइड में लगेगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके से जो है ये गियर बॉक्स जो है इस तरीके से असेंबल होगा। तो इसमें मैं जो है अभी लगा दे रहा हूँ ये। तो देखिए, ये दोनों जो है सिलेक्टर मैंने लगा दिए हैं, अभी बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें से जो बड़ा वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये नीचे की साइड में जाएगा, और ये छोटा वाला जो है ये इस तरीके से जो है कुछ है, इसमें ऐसे लग जाएगा। तो आप एक बार वापस से देख लीजिए इसको। देखिए, ये जो बड़ा वाला पोर्शन है इसमें ये नीचे की साइड में रहेगा, मैग्नेट साइड का चैम्बर जो है वो फिटिंग कर रहा हूँ मैं, तो मैग्नेट साइड की तरफ से इधर की साइड से कुछ ऐसे लगेगा। और अभी देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है मैं ड्रम को लगा देता हूँ। तो ये देखिए ड्रम है, तो इसमें देखिए एक न्यूट्रल का जो ये पॉइंट लगा हुआ है, और इसमें देखिए यहाँ पर एक न्यूट्रल का जो पॉइंट लगा हुआ है, इन दोनों को जो है आप ऐसे मैच कर दीजिए। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर लग जाएगा। और अभी देखिए, सिलेक्टर को मैं ऊपर करके इसमें लगा देता हूँ। पहले ये एक सिलेक्टर लग गया अपना, और ये दूसरा जो सिलेक्टर है ये लगा दिया मैंने, और ये जो है ऐसे लगा दिया। अब देखिए, पिन जो है वो पिन जो दोनों सेम, आप कोई भी पिन कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें मैं पिन जो है वो फिटिंग कर देता हूँ। ये देखिए पिन, ये अपना गियर बॉक्स जो है कंप्लीट जो है पूरा असेंबल हो गया है। तो अभी देखिए, ये बिल्कुल गाड़ी जो ज़्यादा नहीं चलाया, तो इसको मैं इसीलिए इसको चेंज नहीं कर रहा, ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, तो 50-60 रुपये का स्प्रिंग आता है। तो इसको जो है मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है फिटिंग कर देता हूँ। देखिए, गियर बॉक्स जो है अपना कंप्लीट हो गया है पूरा। तो यहाँ स्प्रिंग मैंने जो है लगा दिया है, और अभी देखिए, अब इसमें जो है अपन को क्रैंक फिट करना है। तो क्रैंक फिट करने से पहले जो देखिए, यहाँ पर एक जो है रबड़ का एक जो है वॉशर लगेगा इस तरीके का, ये लोहे का और रबड़ का एक वॉशर है। तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पर इसमें असेंबल होगा। तो ये मैंने लगा दिया, अभी इसमें जो है अपन को फाइनल जो है कुछ भी नहीं करना है, क्रैंक जो है वो फिट करना है। तो क्रैंक किस तरीके से फिटिंग होता है वो आपको मैं दिखा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वही क्रैंक है जो मैंने इंजन को बताया था आपको कि इसके बैरिंग वगैरह सब ओके हैं। तो ये बिल्कुल ओके है, क्रैंक में कोई प्ले नहीं है। मैंने जो है लेथ पे इसको जो है चेक कराया है, तो वो बोले बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप अपने आसपास जो लेथ पे जो काम करते हैं उसको आप चेक करवा सकते हो। तो देखिए, अभी मैंने ये इसको जो है नीचे वॉशर आपको एक लगाना है, और इसको जो है इस तरीके से जो है असेंबल कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अपना असेंबल हो गया है पूरा इंजन। तो अपने गियर बॉक्स जो है अपन को ये चेक कर लेना है। देखिए, ये न्यूट्रल पोजीशन में भी मैंने न्यूट्रल में कर दिया है, तो ये बिल्कुल जो है ओके।
जो इसका मैं इंजन जो है ब्लॉक और पिस्टन किट जो है असेंबल करने वाला हूँ, तो उसके सबसे पहले जो है मैं इस पर डबल लगा देता हूँ दोनों। और फ्रेंड्स इस तरीके से जो है इस पर दोनों जो है डबल मैंने सेट कर दी इस पर, और अभी इसका जो पैकिंग किट है वो मैं इस पर अप्लाई कर दूँगा। और अभी देखिए फ्रेंड्स ये जो है इसका पिस्टन है, तो फ्रेंड्स इसमें जो देखिए पिस्टन में जो एरो का मार्क है वो आपको साइलेंसर की तरफ करना है ना एग्जॉस्ट की तरफ। और पिस्टन रिंग्स जो है वो कैसे सेट करते हैं वो मैंने आपको मेरे जो वीडियो है उसमें बता रखा, उसी तरीके से जो है मैंने किया है। बजाज की जो जेन्युइन सिलेंडर किट अपन लेते हैं जो कंपनी से फिटेड आती है उसमें इसी तरीके से जो है आती है, तो अभी जो है मैं इसमें इसको लगा देता हूँ। पिस्टन को जो है अपने टॉप पे कर लिया है, और अभी जो है इसका टाइमिंग लेते हैं हम। तो पिस्टन को टॉप पे करने के बाद देखिए आप इस पे टी का मार्किंग होगा और दोनों साइड जो है मार्किंग होगा, दोनों साइड का मार्किंग जो इसके फेस में आएगा और टी का मार्क जो है वो ऊपर की साइड में आएगा कुछ इस तरीके से। देखिए इसका जो ये दोनों जो कट हैं ये फेस जो है इसका दोनों इस तरीके से हो जाएगा, और टी का मार्क, टी का मतलब है टॉप डेड सेंटर, तो इसका टी जो है एकदम से एरो जो है इंजन के सर्फेस में जो है बराबर में रहेगा ऊपर की साइड में। तो देखिए ये लगाने से पहले जो है यहाँ पर मैंने एक लॉक अंदर लगा दिया और एक बुश लगेगा यहाँ पर, तो उसको जो है इंस्टॉल कर देता हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए बताया मैंने आपको जो टी का मार्किंग है दोनों सरफेस पे है, तो अपना टाइमिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और टैपेट सेटिंग जो है वो इसका मैंने अभी एक बार इस साइड का जो कर दिया, और अभी इसका जो है मैं टैपेट सेटिंग करने वाला हूँ। और देखिए इस पर जो है इस तरह का जो है एक वॉशर लगेगा और एक एलन की बोर्ड जो है इस पर इस तरीके से जो है कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी देखिए मैं इन दोनों को जो है इस पर लगा देता हूँ, और फिर जो है इस तरीके से जो है इस पर लग जाएगा ये। तो अपना इंजन जो है मैं गाड़ी में असेंबल करने के बाद जो है अपना यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, इंजन जो है पूरा असेंबल करके और गाड़ी में जो है वो फिक्स कर दूंगा। फिर उसके बाद जो है स्टार्टिंग में आपको दिखाऊंगा इसमें जो है वाइट स्मोक का जो प्रॉब्लम था वो भी टोटली जो है वो खत्म हो गया अभी, तो अभी मैं इसको जो पूरा फिट कर देता हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स फाइनली अपना इंजन जो है मैंने असेंबल कर दिया है, इसका बिल्कुल जो है काम कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।